सोगा so, चार hey साल पहले जिस कारण के कारण या जिस रीजन के कारण मैं यूएस आया था जिस कारण मैंने अपना देश छोड़ा मैंने अपने लोग छोड़े या जिस रीज़न के कारण मैंने स्टडी अब्रॉड एक वे चुना वो रीज़न आज काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है सो दैट्स वाई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम फाइनली हैज़ बिन रेवोल्यूशनइज तो मैं बात करूँगा कौन से कौन से चेंजेस

in the us are not just doing well but actually doing better than any national in the us chivo us citizen q because if you look into the numbers chivo career wise let's just look into income wise so indians are making more money every single year as compared to any average american चाहे वो एवरेज चाइनीज सिटीजन हो जापानी सिटीजन एनी सिटीज़न एनी नेशनल इन द यूएस से ज़्यादा कमा रहे हैं हमारे इंडियंस सो दे आर डूइंग डो वेल वो सेम एजुकेशन सिस्टम से निकले थे दैट वाज प्रेजेंट टिल नाउ और अभी भी यही है इट गेट्स चेंज मे बी इन टू ईयर्स द पॉइंट इज दैट सेम एजुकेशन सिस्टम से निकल कर इंडियज हैव बिकम सो सक्सेसफुल बट द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव बिकम सक्सेसफुल मोर फॉर आउटसाइड कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया सो दैट्स द प्रॉब्लम विच विल बी फिक्स थ्रू दिस चेंज एंड नाउ द नंबर वन चेंज विच इज़ माई फेवरेट मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ आप सब से बिकॉज वेन आई वॉज इन लाइक टेंथ ग्रेड मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे मौका दिया जाए टू स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज आई हैड सम वॉट अ बिजनेस माइंड विद कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिकॉज मुझे पता था मैंने यही एग्जाम देना बट आई डेंट हैव द ऑप्शन नाउ आफ्टर योर टेंथ ग्रेड आपको इकोनॉमिक्स के साथ बायो लेनी हो इकोमिक्स के साथ आपको यू नो कंप्यूटर साइंस लेनी हो बिकॉज कंप्यूटर साइंस भी ऑप्शन होती है म्यूजिक के साथ आपको म्यूज़िक के साथ कंप्यूटर साइंस लेनी हो यू हैव द ऑप्शन आप पांच छह सब्जेक्ट्स अपने चूज करके ले सकते हो इट विल नो मोर बी लाइक ह्यूमैनिटीज़ नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स सो दैट इज़ बाइंड गोइंग अगर आप यू की बात करें तो यू में होता है नाइन्थ से ट्वेल्थ तक एक क्यूमलेटिव जी सिस्टम होता है जस्ट लाइक इन कॉलेज तो ये चीज़ की इंडिया में बात नहीं हुई है बिकॉज आई थिंक आई विश दे कैन डू दैट टू आई होप दे टू डि तो यू में क्या होता है एल से अगर आपने नाइन्थ में परफॉर्म नहीं किया अच्छा आप टेंथ में अपनी स्कोर बूस्टप अप कर सकते हो अगर आपने टेंथ में अच्छा नहीं किया यू कैन बूस्ट सेवन इलेवंथ अगर आपने इलेव्थ में अच्छा नहीं किया आप ट्वेल्थ में बूस्टप कर सकते हो आपकी ट्वेल्थ स्कोर डजन चेंज योर लाइफ बिकॉज अगर आप इंडिया में देख लो अब तक तो कई इंटरव्यूज जो हुई हैं कमर्स स्टूडेंट्स के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक ना एक पॉइंट पे आपकी ट्वेल्थ के मार्क्स कभी ना कभी मांग लेते आपसे पूछे तुम्हारे ट्वेल्थ में कितने आए थे भाई ओ नाइनटी फाइव परसेंट वेल एंड गुड सेवेंटी फाइव परसेंट नो आई आई कैंट हाई यू तो ये चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट एंड इफ यू लुकिंग टू सुसाइड रेट इन इंडिया मैंने कई बार न्यूज़ में पढ़ा है अगर एक स्टूडेंट के नाइन्टी से एक कम आ जाता है दैट स्टूडेंट फ्रिक्स आउट और वो सोचता है ओ माय गॉड मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी एंड सो वन एंड सो फॉर्थ बट अब ये नहीं होगा क्योंकि अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ मेरे ट्वेल्थ एग्जाम से एक दिन पहले मुझे टाइफवर्ड हो गया था और उसके कारण मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आए आई गॉट सेवेंटी सेवन आउट ऑफ हंड्रेड इन इंग्लिश बट इंग्लिश को छोड़ के मेरे बाकी चारों सब्जेक्ट्स में एवरेज था नाइन्टी थ्री पॉइंट टू परसेंट कहीं में नाइन्टी नाइन भी आए, नाइन्टी एट भी आए नाइन्टी फाइव भी आए हर एक में नाइन्टी प्लस आए बट दिस वॉज द फैक्ट क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन में एक ही चांस मिलता है चाहे वो जेई हो तब जेई का भी एक ही मिलता था चाहे वो ट्वेल्थ हो अब आपको ट्वेल्थ में दो तो, दो मौके मिलेंगे टू इम्प्रूव टूवर्स एक सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू जस्ट लाइक पहले होता था तीन चार साल पहले जब मैं टेंथ में था तब भी ऐसा होता था पर उन्होंने चेंज कर दिया था टेंथ में एक बार होगा अब फाइनली देर विल बी टू चांसेस सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू एंड ट्वेल्थ ग्रेड एज वेल टेंथ एज वेल नाइन्थ एज वेल बट आई स्टिल विश कि उन्हें क्यूमुलेटिव कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास ट्वेल्थ में दो मौके हैं बट यूएस में सबके पास कई मौके होते हैं चाहे आप एपी एग्ज़ाम्स दे लो हर साल होता है आप एपी एग्जाम आपने नाइंथ में अच्छा नहीं किया टेंथ में दोबारा कर लो इलेव्थ में कर लो ट्वेल्थ में दोबारा कर लो ट्वेल्थ के बाद भी आप दोबारा कर सकते हो अगर आपने लिटरली हाई स्कूल फेल भी कर दिया देन यू स्टिल हैव एन एग्जाम दैट यू कैन टेक और अपने स्कूल डिग्री ले सकते हो यहाँ पे हाई स्कूल को डिग्री कहते हैं डिप्लोमा कहते हैं बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हाई स्कूल मैडिटोरी है आपको फ्री एजुकेशन मिलती है अगर ऐसे मैं अगर महंगे घर में रहता हूँ महंगे घर में टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो टैक्सी के साथ आपको बेटर एजुकेशन सस्ते प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज महंगे घरों के पास बेटर स्कूल्स होते हैं या फिर जहाँ पे आप टैक्स ज्यादा देते हैं वहाँ पे बेटर स्कूल होते हैं तो पॉइंट इज कि यूएस में एजुकेशन टिल ट्वेल्थ इज मैंडेटोरी बट ट्वेल्थ के बाद मैंडेटोरी नहीं है पर इंडिया में क्या होता है हमें हम अपने बच्चों को कहते हैं बच्चों बस डिग्री कर लो चार साल की डिग्री कर लो चाहे इंजीनियर बन जाओ बाद में आप क्रिकेट बाद में सिंगर जो बनना बन जाओ हमारा जो पैशन होता है जैसे आप थ्री इडियट्स को देख लो फरहान अख्तर ने भी कहा था एक बार डिग्री कंप्लीट कर ले फोटोग्राफी बाद में आ जाएगी हम उस उसमें मूवी में इट वॉज रियल रियली सेट दैट कि हम अपनी छोटी छोटी जॉब्स को नीचा दिखाते हैं उस कहते हैं फोटोग्राफी में तुम कितना कमा लोगे हम इंडिया में भी ये कहते हैं तुम ट्रक ड्राइवर बनके कितना कमा लोगे बट तभी यही रीज़न है कि इंडिया में अगर कोई ट्रक ड्राइवर का ड्रीम भी उठाता है ना that dream is mainly for countries like Canada and Australia because everyone wants to become a truck driver but in these countries क्योंकि वहाँ पर उनकी salary इतनी होती है जितनी एक software engineer की US एस में मेरी है कुछ केसेस में ट्रक ड्राइवर्स मेक मोर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द यू एस टू सो दैट्स वाई ये ड्रीम बाहर की कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा आ रहे हैं एंड ये ब्लू कॉलर जॉब्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इस कारण एक और चेंज ये भी है कि आपको सिक्स से एट तक पहले तो आपको कोडिंग में एक पैशन uh, के लिए कोडिंग आपको ऑप्शन देंगे अगर आपको कोडिंग कोडिंग परस्यू करनी है आप वो भी कर सकते हो बट ऑन द टॉफ दैट आपको एक्स्ट्रा करिकुलर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको ट्रक ड्राइविंग एक्सप्लोर करनी है फार्मिंग एक्सप्लोर करनी है तो एक जॉब को छोटा या बड़ा कहलाया नहीं जाएगा बिकॉज बचपन से ही हमारे माइंड mind में माइंड बन जाता है जब हम स्कूल में देखते हैं एक जैनेटर कम, कमरा साफ कर रहा है तो वो आपके आपका क्लासरूम साफ कर रहा है तो वो जॉब आपके लिए नीची बन जाती है बट यूएस में क्या होता है आपको क्लासरूम में भी अगर गंद पड़ जाए तो टीचर आपको साफ़ करने के लिए कहता है ये नहीं कहता कि कैन यू कॉल द जैनेटर आप बीबीजी को बुलाइए ये कभी नहीं कहते आपको मोस्ट लाइकली आपको कहते हैं खुद साफ़ करो तो दैट्स द लेसन दे आर ट्राइंग टू टीच फ्रॉम द बिगिनिंग of their career in India as well. So that's mind blowing क्योंकि अगर India में भी अगर किसी को ट्रैक ड्राइविंग का ड्रीम उठता है वो देख पाएगा and he will be able to make it or convert it from dream to reality as well so that's just mind blowing and also talking about ki like, uh, six pe jo coding ki aapko jo like an opportunity di ja rahi hai like it's ऑलमोस्ट बिगनिंग मैडिटोरी बिकॉज यू नो ऑटोमेशन सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप देख लो एक बायोलॉजिस्टिस भी है उसके लिए मैंने ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं द पॉइंट इज की बायोलॉजिस्टिस को भी एक टाइम पर ऑटोमेशन आनी चाहिए ताकि जो काम वो करता है घंटों लगा के वो मिनट्स में सेकेंड्स में कर पाए तो यह स्किल आपको सिक्स में सिखाई जाएगी बट आई पर्सनली थिंक कि आपको ऑप्शन भी देनी चाहिए कि कोडिंग करनी कोडिंग कर लो वीडियो एडिटिंग करनी वीडियो एडिटिंग कर लो क्योंकि मुझे पर्सनली स्कूल में वीडियो एडिटिंग एट्थ में ही सिखा दी गई थी सो आई थिंक यू शुड भी गिवन द ऑप्शन बट लेट सी वट हेपन्स ऑन दट एंड एंड नाट वन मोर चेंज बिफोर यू गो टू कॉलेज तो कॉलेज जाने से पहले एक और चेंज ये उठता है कि यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ वैल्यूएट एंड ऑल्सो योर क्लासमेट्स विल एवैल्यूएट यू तो पहले क्या होता था कि आपको आपके अगर नंबर अच्छे आते हैं प्रैक्टिकल में आपका क्या प्लस टू में थर्टी मार्क्स होते हैं ट्वेंटी मार्क्स होते हैं बट सेवेंटी जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स है वो थेरेटिकल नॉलेज है आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ ली राइट right? आप उसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज आते हो कितनी के यूज हो जाती है बहुत बेरवे में मैं कंप्यूटर साइंसिस बनना चाहता हूँ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बेर मिनिमम टेन टू फिफ्टीन परसेंट यूज़ किए अपनी रियल लाइफ में सो द पॉइंट इज़ कि उसे चेंज करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी अपने हाई स्कूल में या सिक्स से लेकर ट्वेल्थ में एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपकी क्लासमेट्स भी आपको वैल्यूड करेंगे सो लाइक दिस इज़ लाइक मोर क्रिटिकल थिंकिंग गुरू राटी ने भी इसके बारे में बात की है सो दैट्स एन एक्सेलेंट मूव एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर यू कम्पलीट यूर हाई स्कूल तो जब आप कॉलेज में एंटर करते हो क्या क्या चेंजेस क्या क्या चेंजेस आपके यू एस ए ड्राइव है तो नंबर वन इज मेजर एंड माइनर तो जब मेजर एंड माइनर से भी पहले मतलब ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा तो मोर इंटरेस्टिंग है जैसे ही आप अपने कॉलेज में एंटर करते हो आप जब फर्स्ट ईयर करते हो अगर आप छोड़ देते हो पहले क्या होता था आपको स्क्रैच से डिग्री शुरू करनी पड़ती थी अभी यूके में भी यही हो रहा है अगर आप जैसे कि आपको आपने मैथ मेजर लिया आपको बाद में लगा कि नहीं मैथ नहीं करना चाहिए मुझे कंप्यूटर साइंस करना चाहिए बट यू विल हैव टू स्टार्ट ओवर इन यू बट यू में ऐसा नहीं होता तो ये चीज़ यू एस से डिराइव किया कि अगर आपने आधा सेमेस्टर किया एक साल किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा दो साल किया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा तीन साल किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी फोर्थ ईयर विल बी फॉर रिसर्च एंड दैट्स एक्सेप्शनल क्योंकि यूएस में ये होता है आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी होती है मैंने तीन साल में इंडरग्रेड किया है इंडिया में भी अब तीन साल में एंडरग्रेड हो सकती है मैंने पिछली बार एक कंपेरिजन वीडियो भी की थी लाइक आई आई टी वर्सेज यूएस तो उसने कहा था कि यू कैन नॉट ग्रेजुएट अर्ली बिकॉज लास्ट ईयर में क्या होता क्या बच्चे दो तीन क्लासेस लेते हैं सारा टाइम वेले बैठे रहते हैं क्योंकि प्री प्लेसमेंट में आई आई टी एस को मोस्ट लाइक पी पी ओ मिल जाता है लाइक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है मतलब उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ पर जॉब करनी है तो सारा साल जो फोर्थ ईयर होता है द मेक्स मोस्ट लाइकली वेस्टेड सो दट्स वाई इट विल बी मोर रिसर्च ओरिएटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो क्रेडिट्स हैं दैट विल भी ट्रांसफरेबल तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में कितने के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बहुत कम हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कंट्रीज में आते हैं पर बाकी कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं दे मेनली कम फॉर एक्सचेंज पर बहुत कम आते हैं आई आई टी बॉम्बे में आते हैं जैसे पर बहुत ज़्यादा कम आते हैं अब दैट विल भी चेंज क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स विल भी ट्रांसफरेबल प्रॉब्लम क्या होती है जैसे कि मैं अपने अपने स्कूल से जॉर्ज टेक जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी कहीं से भी आप देख लो जब तो आप ट्रांसफर करते हो या फिर जैसे यू वॉन्ट टू लुक इन टू एन एक्सचेंज प्रोग्राम आपको एक्सचेंज पे जाने के, का जाने की अबिलिटी तभी मिलती है अगर जो आपका सिलेबस है यूएस और आ, इंडिया में वैलिड हो इक्वलेंट हो अब थ्रू दोज क्रेडिट सिस्टम आपके ट्रांसफर करने की अबिलिटी दे विल बी एबल टू डिफाइन सो दैट जस्ट इन क्रेडिबल एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज माई फेवरेट इज मेजर एंड माइनर आपको बताता हूँ जैसे कि लट से एक बच्चे का लाइक शुरू से पैशन है टू तो डू मैथ एंड ऑन टॉप दैट ही वॉन्ट्स वॉन्ट टू चेक की मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है कि नहीं लगती माइनर एंड इट तो आप मेजर और माइनर का ये सिस्टम होता है आपको तीन चार कोर्सेज या अप टू फाइव सिक्स कोर्सेज माइनर में लेनी होती है एंड मेजर में होती है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज तो आप मैथ्स में ज़्यादा कोर्स लोगे माइनर में कम लोगे तो इसके फायदा क्या होगा डाउन द लाइन आपने डिग्री कंप्लीट कर ली आपने मैथ में से एक साल काम कर लिया पर आपको पसंद नहीं आया यार मैथ पे मैं प्रोफेसर बन तो गया पर काश मैंने चार साल पहले वो मेजर चूज किया होता तो मेरी सारी जिंदगी कुछ और होती सेम थ्री एयर्स आए पर अब वो नहीं होगा क्योंकि अगर आपने माइनर कंप्यूटर साइंस में किया आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस की जॉब्स के लिए आप यू you नो know, जो माइनर के थ्रू आप अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में सो यू हैव मोर ऑप्शंस थ्रू मेजर एंड माइनर और अपना पैशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत बचपन से पैशन था कि मैं वीडियो एडिटिंग में माइनर uh, कर पाऊँ मैंने स्कूल में नहीं की क्योंकि मुझे फीस देनी पड़ती पर इंडिया में फीस कम है बट आई वुड डेफिनेटली हैव डन माइनर इन फिल्म मेकिंग वीडियो एडिटिंग विद कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर सो दैट्स एक्सेप्शनल अगर अगर लेट्स से एक और मेजर बताता हूँ एक बच्चे का इंटरेस्ट बायो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में तो उसे बायो भी चाहिए इंजीनियरिंग भी चाहिए अब ये दोनों मिक्सर के लिए आपका ट्वेल्थ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए तो आप ट्वेल्थ में बायो के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई अब कॉलेज में आप बायो अगर आपको माइनर करना है इंजीनियरिंग के साथ वो भी कर सकते हो और अगर सेपरेट मेजर इंडिया में बन भी जाता है तो यू कैन डू दैट टू सो यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी मोर मेजर्स टू एक्सप्लोर एंड एक और बहुत बड़ा चेंज अब से यू से या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जहाँ भी कॉलेज है लाइक like, जैसे कि हार्वर्ड येल तो आपने सुना होगा जैसे कि येल जो यूएस में है दैट इज़ ऑल्सो इन सिंगापुर उसे कहते हैं एन यू एस ये एल एन यू एस कहते हैं सिमिलरली इंटरनेशनल जो स्कूल्स है फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल जो कॉलेजेज़ है यू एस या फिर यू के में ऑक्सफर्ड है अगर उन्हें भी एक ब्रांच अपने इंडिया में खोलनी है दे कैन ओपन इट तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा अभी डाउन द लाइन टेन ईयर्स में दैट ओनली पॉसिबल तो इसका फ़ायदा ये होगा लेट्स ए कि एक इंडियन स्टूडेंट uh, का अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन है जिसका ब्रांड हो बड़ा जैसे कि ऑक्सफर्ड यू नो लाइक एम आई हार्वर्ड अगर वो ब्रांच इंडिया में खोल लेती है तो ही कैन डेफिनेटली डू इट एंड प्रिपेयर फॉर दो यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया और बाद में वीज़ा की टेंशन नहीं होगी आप इंडिया में ही रह सकते हो अपने फैमिली को छोड़ने की जरूरत नहीं और इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये बनता है इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और आएंगे क्योंकि लाइक यू नो जैसे एन वाई यू एन वाई यू के कितने ब्रांचेज हैं एन वाई यू अबूधाबी एन वाई यू दुबई एन वाई यू एंड न्यू तो अगर एन वाई यू इंडिया में भी खुल जाती है यू विल बी एबल टू गो फॉर एक्सचेंज बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे कॉम्पिटिशन पड़ेगा अगर एन आपको एक्स लाइक फैसिलिटीज़ दे रहा है आई आपको वाई दे रहा है तो आई को उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा ताकि लोग एन में ना जाएं, आई में भी जाएं, तो लाइक like रिसर्च की फंडिंग बढ़ेगी की तो वैसे ही सिक्स सिक्स परसेंट जी हो ही जाएगी दैट वाज अ ड्रीम जब मैं सेवन नाइन्थ टेंथ में था तब एक ड्रीम सुना होता था कि एक पॉइंट आएगा कि हमारे स्कूल में जो एजुकेशन सेक्टर में जो स्पेंडिंग है वो सिक्स परसेंट एक दिन होगी अब हो भी गई तो दैट जस्ट अमेजिंग फीलिंग टू सी दैट सो वेन मोर इट स्टूडेंट्स विल कम टू इंडिया चाहे वो एन क्यों ना हो इफ दैट ओपन्स चाहे वो ऑक्सफर्ड क्यों ना हो चाहे वो नो you येल know, क्यों न हो जस्ट लाइक इट इज़ इन सिंगापुर तो उससे मोर इट स्टूडेंट्स विल कम टू इंडिया दे विल स्पेंड मोर मनी इन इंडिया

पर वो वो रीज़न ये है हमारा आई आई टी जेई का सिस्टम दैट इज़ स्टिल द सेम अभी भी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई दे आर स्टिल सेम दैट अगर आपका रैंक एक्स आता है यू विल बी एबल टू गेट इन टू आई आई टीज नहीं तो नहीं बट दैट इज़ ओके यू नो व्हाई बिकॉज आपके पास और रास्ते भी खुलने वाले हैं क्योंकि लाइक like, आपके पास ऑक्सफर्ड आने वाला है आपके पास एन वाई यू आने वाला है इट विल बी अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस इट्स लाइक आई थिंक आई पर्सनली सी इट एज टू टू थ्री ईयर्स प्रोसेस क्योंकि उन्होंने अभी टाइम फ्रेम दिया नहीं है हुआ क्या जैसे कि बियर uh, बाइसेप्स के पॉडकास्ट में उन्होंने उन्होंने कहा था कि इट इज़ लाइक डी तो उन्होंने कहा कि आप अगर इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज कर रही है सारे बोर्ड्स को आपको एक साल देती है अगर टीचर्स कहते हैं हमें और टाइम चाहिए तो और टाइम दिया जाएगा सो इट कैन टेक फ्रॉम वन टू 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 थ्री ईयर्स दैट्स वॉट आई थिंक और स्कूल आने में टेन ईयर्स भी लग सकते हैं सो इट कैन टेक टाइम बट आई एम श्योर देट इट विल टेक इंडिया टू नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल सो एम वेरी हैप्पी फॉर देट नेक्स्ट रीजन दैट कुड हैन बैटर दैट हैडी सेट कि नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपकी एक ग्रेड कर देते हैं तो बेटर होता है क्योंकि लाइक like, अगर आपकी परफॉर्मेंस चलो मान लिया कि ट्वेल्थ की दोनों सेमेस्टर हो रही है तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा पर नाइन्थ से ट्वेल्थ वाला सिस्टम जो क्यूमेरेटिव जैसे यूएस में मैंने आपको बता ही दिया उससे बहुत फ़ायदा होता कि आपकी आपकी आपका स्ट्रेस चारों साल में बहुत ज़्यादा कम होता बट एनीस एंड अनदर चेंज दैट कुड हैव दट कूड इन वॉज कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हो आपके पास डर होता है मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद आएगी कि नहीं मुझे मैथ पसंद आएगा कि नहीं दैट इज ओके कि वह एक साल के बाद आपको छोड़ने की प्रोविश दे रहे हैं पर उन्होंने ये नहीं बताया आपके पास एक साल के बाद अपनी ब्रांचिंग चेंज, चेंज करने की एबिलिटी है या नहीं इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल टू सो वैन सो फॉर क्योंकि आई में क्या होता है अगर आपकी जी पी एक्स से ज़्यादा है देन ओनली वन और टू स्टूडेंट्स गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन द इंटायर बैच टू चेंज द मेजर और लाइक ब्रांच पर ये इजी कर देना चाहिए लाइक आई होप सो एंड ट्रांसफर करने की एबिलिटी दे हैव इन टॉक्ट अबाउट दैट लेट्स से कि अगर आपको आईआईटी दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है यू वांट टू लिव विद योर फैमिली इन नियर दिल्ली तो अगर आपको आईआईटी दिल्ली में पढ़ना चाहते हो जस्ट वॉन्ट टू ट्रांसफर वो अबिलिटी नहीं आई है शायद दैट शुड कम सोन नॉट जस्ट फॉर आई आई बट फॉर ऑल स्कूल चाहे आप यू you नो know, अगर आप थापड़ में पढ़ रहे हो और यू कैन से यू कैन आर सर्डिंग इन पैक इन चंडीगढ़ और यूर सरिंग इन ट्रिपल आई इन हैदराबाद आपके पास एक अबिलिटी होनी चाहिए थ्रू परफॉर्मेंस चाहे आपकी स्कोर्स हो कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए कोई ना कोई एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप ट्रांसफर कर पाओ आप और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सप्लोर कर पाओ और वहाँ पर पढ़ पाओ सो दैट्स आई एम रियली वॉन्टिंग टू सी दैट कुड भी डन एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जिसके लिए इंडिया शुड लिसन इंडियन एजुकेशन सिस्टम मस्ट लेसन कि एक स्टूडेंट है हु वॉन्ट टू मे बी बिकम अ प्रोग्रामर एंड कॉलेज जाने से पहले ही ही हैज़ मेड एंड टेन टू फिफ्टीन प्रोजेक्ट्स एंड दोज प्रोजेक्ट्स हैव हैव हेल्प मे बी थाउजेंस ऑफ लाइफ और मे बी मिलियंस ऑफ लाइफ जैसे आप ओयरूम्स की एग्जाम्पल ले लो द फाउंडर डिट इवन हैव अ कॉलेज डिग्री तो अगर एक ऐसा स्टूडेंट इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छा नहीं है उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए हाउ टू मेक इट जस्ट थ्रू हिज पैशन अबिलिटी एंड ही कैन डेफिनेटली एक्सेल नंबर टू एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट हुट टू मे बी बिकम अ डॉक्टर वो आज शायद बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अभी अच्छा नहीं है बट हैज ग्रेट पैशन उसने फोटेस में जाकर इंटर्नशिप की हुई है फॉर एक्जाम्पल आई एव ऑलरेडी इंटरव्यू द स्टूडेंट हुनशिप इन फोटेस एंड मेड इट टू हार्वर्ड और कई कई एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव थ्रू हर पैशन और हिज आर हर पैशन रिटर्न अ बुक एस ए स्टूडेंट को भी एक एबिलिटी दी जानी चाहिए टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मेडिकल कॉलेज मे बी एम्स इन स्टूडेंट को कोई ना कोई रास्ता दिया जाना चाहिए सो दैट दे कैन मेक इट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एज वेल सो दैट विल बी माई ओपिनियन सो थैंक यू सो मच वॉचिंग आई नो आई हैव टू एडिट अ लॉड ऑफ ब्लॉग्स अभी रूम टूर पेंडिंग है बट आई विल डेफिनेटली मेक इट सोन सो थैंक यू सो मच वॉन्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड आई विलज इन द नेक्स्ट मंथ गुड बाय